हाय दोस्तों, A4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईटेल मोबाइल में आप ब्लैक लिस्ट नंबर कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कैसे निकाला जाता है तो आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो माइक वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक किया। अब आपको कहाँ पर आना है, आपके अपने मोबाइल में सेटिंग के ऊपर आप आ जाइए। ये रहा सेटिंग। तो चलिए, ये माइक वाला बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे आना है, जहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको मिल जाएगा कॉल सेटिंग, आप अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पे कॉल सेटिंग के ऊपर ये माइक वाला बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे दो डॉट डॉट का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको, तो डॉट डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ब्लैक लिस्ट नंबर आ जाएंगे। तो आप क्या करना है, आपको ये माइक वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आने के बाद आपको अब नीचे आना है और जहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक लिस्ट नंबर, तो आपको ये माइक वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में कितने ब्लैक लिस्ट नंबर आपने ऐड किए रहेंगे, वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, आप देखिए। रिमूव करने के लिए आपको जो भी आप नंबर को रिमूव करना चाहते हैं, ये माइक वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इसको सारा को आप इस तरह से रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे डॉट डॉट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ऊपर में यहाँ पे डन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली आप माइक वाला जो बटन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आप ये देखिए दोस्तों, हमारा जो नंबर था वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप भी अपने जितने भी आपका ब्लैक लिस्ट नंबर रहेंगे, यहाँ पे डॉट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से आपको सारा क्लियर कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आपको डॉट का ऑप्शन है, फिर से जाएंगे और यहाँ पे डन है, तो माइक वाला बटन के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सेव लिख देगा। तो इसका मतलब आपका जो ब्लैक लिस्ट है वो नंबर निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाइएगा।